प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। पीएम के जन्मदिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों की बात अगर करें तो कानून व्यवस्था से लेकर के ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के सशक्तिकरण तक सरकार ने बेहतर काम किया। इसके साथ ही मेडिकल सुविधाओं में नई व्यवस्था लाकर के सरकार ने असहाय लोगों की मदद की। इस रिपोर्ट के जरिए मोदी सरकार के 100 दिन के काम को समझिए। मोदी 3.0 में गुड गवर्नेंस और दमदार लॉ एंड ऑर्डर, समाज में जरूरतमंद तबके का सशक्तिकरण, मोदी 3.0 में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार। बीते 100 दिनों में मोदी सरकार ने देश की जनता के लिए कई अहम काम किए, फिर वो चाहे गुड गवर्नेंस हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर। सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर बनाने के लिए जोर दिया है। आंकड़ों पर नजर डालिए तो इन 100 दिनों में लोक शिकायत निवारण के लिए CPGRAMS यानी सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे दिशा निर्देश जारी किए गए। पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं लाई गईं। यही नहीं, शहरी बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ पीड़ितों के लिए 6,350 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लाई गईं। लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाए गए। इसके साथ ही 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। पहले और दूसरे कार्यकाल की तरह तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने कई नए कीर्तिमान रचे, जिनमें ओबीसी, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण अहम रहा है। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधार जन कल्याण पोर्टल को लॉन्च किया और उसका विस्तार किया। पीएम सूरज के तहत अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए सस्ते लोन की सुविधा दी गई। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के तहत 405 स्कूलों में 1,23,000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ। 40 नए विद्यालय और उनमें स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं। 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट कक्षाएं बनाई गईं। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लाया गया। ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, इससे विवादों में कमी आएगी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। तीसरे कार्यकाल में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया। इस योजना के तहत अब 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वृद्ध नागरिकों को 5,00,000 तक का मुफ्त बीमा है। इस योजना से 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ बुजुर्ग नागरिकों को लाभ होगा। इसके साथ ही 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई गई, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावी बनाने और मेडिकल शिक्षा में मदद मिलेगी। वहीं नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यू विन पोर्टल शुरू किया गया और देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार कर रहा है। यानी पीएम मोदी ने जो सोचा उसे कर दिखाया। महज 100 दिनों के अंदर पीएम का विजन सामने आ गया। उनकी योजनाओं ने समाज के हर तबके को न सिर्फ लाभ दिया बल्कि उनके सम्मान को भी बढ़ाने का काम किया है। पीएम मोदी के बर्थडे पर, उनके जन्मदिन पर केंद्र सरकार के 100 दिनों का टास्क पूरा होने का ये आपको मतलब भी समझाते हैं। और ये देखिए, ये इसको संयोग कह लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी और 100 दिन कार्यकाल पूरा हो चुका है 3.0 का और टारगेट भी पूरा हो चुका है। 100 दिन में 3,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई। 8 नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई सरकार की तरफ से। इसके अलावा 76,200 करोड़ की लागत से महाराष्ट्र में वधावन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई है। इसके बाद पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 49,000 करोड़ दिया गया है
और 25,000 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्लान भी बनाया गया है। सरकार ने ये कदम उठाया है। केवल 100 दिनों में 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए भी आपको बता दें कि सरकार ने सोचा है। 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को भी मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से। इसके अलावा बागडोगरा और बेहटा में नया सिविल इंक्लेव होगा। लद्दाख और हिमाचल की बात करें तो लद्दाख और हिमाचल को जोड़ने की भी योजना बनाई जा रही है। शिन खुनला सुरंग की आधारशिला भी रखी गई है। इसके अलावा बात करें अगर किसान की तो देखिए किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ मिले। खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि की गई है। मध्यम वर्ग को आयकर में बड़ी राहत दी गई है सरकार की तरफ से। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं होगा, यानी कि 7 लाख के इनकम तक अगर है 7 लाख का इनकम तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब अगर युवाओं की रोजगार की बात करें तो युवाओं में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए के PM पैकेज की घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए 90 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूह, 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र मिला है। 63,000 आदिवासी गांव का विकास किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया। बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा दिए जाने की भी बात की जा रही है। अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी निधि योजना स्थापित की गई है। 1,000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि योजना भी स्थापित की गई है। इसके अलावा 50,000 करोड़ का राष्ट्रीय अनुसंधान कोष भी स्थापित किया गया है। अब बात करें अगर कानून व्यवस्था की तो देखिए आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 नए कानून लाए गए। भारतीय न्याय संहिता कानून लागू कर दिया गया। नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया है सरकार की तरफ से। तो ये बड़े और महत्वपूर्ण काम आपको बताए महज 100 दिनों के अंदर की।